गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एंड दिस इज योर इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक चैप्टर नंबर 3, हिंदी अक्षरों के लिए इंग्लिश लेटर्स। ये चैप्टर मैंने आपको अपनी लास्ट यानी कि प्रीवियस 2 वीडियोस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये फर्स्ट वाला पेज भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एंड उसके बाद ये नेक्स्ट वाले जो भी हमारे सब व्यंजन हैं ये सब मैंने आपको अच्छे से समझाए थे। ठीक है, आज हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। ये पेज नंबर 12 पर आपकी एक्सरसाइज दी हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे लेट्स नो। इसमें देखते हैं अंग्रेजी के कुछ लेटर्स हमें एक से अधिक ध्वनि देते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात हुई है सी की, तो सी में यहाँ पे हमने एक बार इसको पढ़ा सी ए एम ई एल कैमल, और एक बार पढ़ा सी आई एन ई एम ए सिनेमा। ठीक है, तो यानी कि सी दोनों सी से स्टार्ट हुए, बट एक बार हमने इसमें कै की साउंड यूज की और एक बार इसमें सेव साउंड यूज की। तो यानी कि कुछ लेटर्स ऐसे भी होते हैं जो हमें एक से अधिक ध्वनि देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए जी, जी में यहाँ पर हम एक बार गै की ध्वनि से वर्ड को बोलेंगे और एक बार जय की ध्वनि से बोलेंगे। जी यू एन गन, जी आई आर ए डबल एफ ई जिराफ। ठीक है, इसके बाद ये सेकंड नंबर देखिए हिंदी नामों के जी, ये हिंदी के कुछ नेम हैं। ठीक है, जो पर्सन्स के नेम होते हैं आपका हमारा हमारे रिलेटिव्स का, उसी के कुछ एग्जांपल्स हैं किसी भी सिटी का नेम या किसी कंट्री का नेम, तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले देखिए ये लिखा है सोहम। ठीक है, अब हमें सोहम को इंग्लिश में बनाना है कि सोहम इंग्लिश में कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम इसको हिंदी में डिवाइड करते हैं, हिंदी में यानी कि वर्णों को अलग अलग कर लेते हैं। सो प्लस है प्लस मैं, तो ये सो है मैं सोहम बन गया। अब हम हिंदी वाले वर्णों को इंग्लिश में देखेंगे। सो सो को अभी हमने पीछे रीड किया था, क्या किया था सो को, एस ओ सो। ह ह को हमने किया था एच ए, और मैं को एम, तो इसकी इंग्लिश बन गई एस ओ एच ए एम सोहम। ऐसे ही ये लिखा है सौरव। पहले हम इसको अलग करेंगे सौ रे वे सौरव, अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो सौ सौ की होगी एस ए यू, र की आर ए और वे की वी, तो एस ए यू आर ए वी सौरव। अमेरिका, अमेरिका की अमेरिका, पहले हमने इसके वर्णों को अलग किया उसके बाद हम वर्णों वाली इंग्लिश लिखेंगे। पहले ए के लिए ए, मे के लिए एम ई, ठीक है, री के लिए आर आई और का के लिए सी ए, तो ये बन गया ए एम ई आर आई सी ए अमेरिका। नेपाल, नेपाल को पहले हमने वर्णों को अलग किया ने पा ल, और पहले वर्णों वाली इंग्लिश लिखेंगे एन ई ने पी ए पा ल, तो ये बन गया नेपाल। झांसी, झा और ये चंद्रबिंदु लगाया, चंद्रबिंदु की जगह हमने न, ठीक है, सी झांसी, तो झा ने एस आई, तो जे एच ए एन एस आई झांसी। मुंबई, मू ये मैं की डॉट लगी है, बिंदी लगी है, तो मैं बे ई मुंबई, और मुंबई में अब हम जो हमने वर्ण अलग किए उन्हीं की इंग्लिश बनाएंगे पहले, ऐसे ही वर्णों को अलग करके ही एम यू एम बी ए आई, तो ये बन गया मुंबई। ऐसे ही वाराणसी कहेंगे वा रा अण सी वाराणसी, तो वर्णों को अलग किया, अब वर्णों में लेटर्स को ऐसे ही अलग करेंगे वर्णों के अकॉर्डिंग ही, वा रा न सी, तो ये बन गया वी ए आर ए एन ए एस आई वाराणसी। ठीक है, अब ऐसे ही आपकी ये प्रैक्टिस है, आपको घर पे अपने में अपनी फैमिली मेम्बर्स के जिसके भी नेम हैं उन्हीं के नेम लिख के और उनकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपसे ये नेम्स ऐसे लिखने आएंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपकी है लेट्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या करना है आपको, ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे पहले ये एम सी क्यूज है। ठीक है, हरी को अंग्रेजी में लिखते हैं, हरी तो है री, इसको हम अगर डिवाइड करेंगे वर्णों को अलग करेंगे तो है और री बनेगा, तो है की इंग्लिश क्या होती है
एच ए है, री आर आई री, तो ये वाला एच ए आर आई हरी करेक्ट हो गया हमारा। ऐसे ही है रेखा, रेखा रे 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 पे की मात्रा रे, तो यानी कि आर ई रे, और ख के लिए के एच और आ की मात्रा के लिए ए, तो आर ई के एच ए रेखा। ठीक है, ऐसे ही ये एक्सरसाइज भी आपको अपने होमवर्क में करनी है। ठीक है, होमवर्क में आप इसको ट्रांसलेशन का जो वर्क है, फिलहाल अपना जो वर्क मिलता है आपको वो आपको सिर्फ बुक में ही फिल करना है, अभी आपको अपने नोटबुक में कुछ नहीं करना है जब तक मैं नहीं आपको बोलती हूँ। ठीक है, और इनकी आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जो आपको बुक में नेम दिए हुए हैं इन सभी नेम को पहले आप रफ कॉपी में लिखने का कोशिश करेंगे पूरी, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, और ये आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है ट्रांसलेशन में।